please press the bell icon to get the latest updates on Page 3 Reporter. नमस्कार, गौरव श्रीवास्तव के साथ हैं आप. ये है पेज थ्री रिपोर्टर, आपका बहुत ही फेवरेट सेगमेंट पिक्चर की कमाई या पिक्चर की पिटाई. इसके जरिए जानते हैं कि दीपिका पाडुकोन स्टार मेघना गुलजार द्वारा बनाई गई फिल्म छपाक जो है उसका एक्सपीरियंस किस तरह का है. देखिए, लक्ष्मी अग्रवाल के ऊपर आधारित ये फिल्म है. बहुत ही कम उम्र में जो है एक बड़े उम्र के आदमी ने उसके मुंह पे तेजाब फेंक दिया क्योंकि उसने शादी करने से इनकार कर दिया था. ये बहुत ही जघन्य अपराध है, बहुत दुख होता है इस बारे में सोचकर. लेकिन जब एक फिल्म के जरिए ये आपको दिखाया जाता है तो आप सिहर उठते हैं, डर जाते हैं. ये कैसा समाज है? और एक लड़की मालती का किरदार निभा रही है उसमें दीपिका पादुकोण. उसका चेहरा जला हुआ है और जब पहली बार अपने चेहरे को देखती है तो उसकी जो चीख निकलती है वो चीख आपके साथ रहती है. विक्रांत मैसी ने भी अच्छा काम किया है बतौर सोशल वर्कर. और मालती की एक तरफ ट्रेजेडी है क्योंकि पूरा एसिड बर्न हैं और वो पूछती है कि मैं झुमका कैसे पहनूं, और डॉक्टर से कहती है कि एक कान मेरा ठीक कर देना. इस तरह की बहुत सेंसिटिव सीन्स हैं. लेकिन दूसरी तरफ मालती का एक मानना भी कि मैं खुश क्यों नहीं रह सकती, एक ट्रेजेडी हुई है लेकिन क्या सिर्फ यही मेरी पहचान है? वो जो स्पिरिट है ना जिंदगी के लिए, जिंदगी से भरपूर, उस चीज़ के लिए आप इस फिल्म को देख सकते हैं. फिल्म कई सारे मुद्दों को टच करती है और एंड में बताती है कि कैसे राइज हुआ एसिड अटैक्स का. और मालती सिर्फ एक केस है, ऐसी बहुत सारी महिलाएं हैं, लड़कियां जिनके साथ ऐसी घटना घटी है. और लीगल एक्शंस क्या हो सकते हैं, या फिर कभी कभी समाज किस तरह से रिएक्ट करता है, उसका ये कहना कि गलती जो है वो लड़की की ही होगी, इस तरह की बातें भी सामने आती हैं तो बहुत दुख होता है. पर कुल मिलाकर ये फिल्म जो है आपको रुलाती है और बीच बीच में हल्की फुल्की ऐसी चीज़ें जहाँ पे आपके चेहरे पे मुस्कुराहट भी आती है. पर जो लोग इस कॉज को सपोर्ट करते हैं, जो लोग समझते हैं कि जो लोग जानना चाहते हैं कि एक्चुअली क्या होता है इन विक्टिम्स के साथ सही तरीके से, उनके लिए भी ये फिल्म है. और फिर आप लक्ष्मी अग्रवाल के बारे में बहुत कुछ और ढूंढने की कोशिश करेंगे और आप कहेंगे कि कैसे उस लड़की ने ये सब कुछ सहा. और जीती जागती उदाहरण है कि कितना भी जुल्म हो जाए लेकिन उसके बाद भी अगर आपके अंदर वो मन है जागने का, उठने का, तो आप ज़िंदगी जी सकते हैं. और बहुत इंस्पायरिंग स्टोरी बनकर ही आती है. मेघना गुलजार बहुत ही सेंसिटिव तरीके से इस फिल्म के साथ डील करती हैं, सब्जेक्ट के साथ डील करती हैं, और यही बात इस फिल्म को दूसरी फिल्मों से बहुत अलग बनाती हैं. तो जो मुझे कहना था मैंने कह दिया है. पिछले सेगमेंट में बात करी थी तानाजी के बारे में, तो उसका भी आप रिव्यू ज़रूर देखें. और नेक्स्ट सेगमेंट में हम बात करेंगे दरबार के बारे में. रजनीकांत स्टारर, अपने सुनील शेट्टी स्टारर, उसके बारे में बात करेंगे. वो फिल्म किस तरह की है, एक नहीं बल्कि चार चार पाँच पाँच भाषाओं में वो फिल्म रिलीज़ हुई है. और रजनी अन्ना की फिल्म के बारे में तो बात करना बनता है. आप हमें बताएं आपको कैसा लगता है हमारा ये स्पेशल सेगमेंट. हमें डांटें, हमें सुधारें, अपने कमेंट्स हम तक पहुंचाएं और सब्सक्राइब करते रहें पेज थ्री रिपोर्टर. और भी बड़े अनोखे वीडियोस हम अपलोड करते हैं, उन वीडियोस को भी आप देखें. उसमें कुछ बड़ी हैरत अंगेज बातें हैं हमारे इन बॉलीवुड सितारों की जिंदगी से जुड़ी, तो वो वीडियोज़ भी आप देखें. एंड डू सब्सक्राइब पेज थ्री रिपोर्टर.